फिलहाल अंबिकापुर के गलियों से जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये तकिया मजार शरीफ का जो है ये रास्ता है, और अभी हम लोग चलेंगे बंगाली चौक, और बंगाली चौक से झारखंड जाने वाला जो रास्ता है बस उसी में थोड़ा सा आपको बस 500 मीटर की दूरी पे जाना पड़ेगा, और वो संजय पार्क है। फिलहाल अभी हम लोग बस बंगाली चौक से थोड़ी सी दूरी पर हैं। बंगाली चौक हम लोग आ गए हैं, और बंगाली चौक से हम लोग राइट लेंगे, जो राइट पे जो रास्ता गया है वो झारखंड जाने के लिए है, उसी रास्ते में संजय पार्क है। ग्रीन सिग्नल हो गया है, यहाँ से राइट मुड़ेंगे हम लोग। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं संजय पार्क का एंट्रेंस पे। अभी यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट वगैरह लेंगे। अभी हम लोग दो लोग हैं, और बच्चा का फ्री में हो गया। पर पर्सन 20 रुपये टिकट है, और बाइक का 10 रुपया पार्किंग का। ये रहा एंट्रेंस, आते ही यहाँ पर देखिए, तो बाइक में हमारा लॉक नहीं था, हैंडल लॉक, तो इधर अंदर लगवा दिए हैं। काउंटर पे बोले कि अगर बाइक आपका लॉक हो जाता है तो ठीक है, अगर भाई आप यहाँ पे अंदर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ जानते हैं इस पार्क के बारे में, संजय वन वाटिका अंबिकापुर। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना वर्ष 1977-78 में हुआ था, और इसका क्षेत्रफल जो है ना 8.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस इधर ये देखिए, यहाँ पर पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन में यहाँ पर घर बने हुए हैं। एक समय था जब हम लोगों का भी घर ऐसा हुआ करता था, मज़ा ही कुछ और था उस घर का। यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी हड़प्पा, इस तरह से हम लोग भी देखे हैं, ये इस दौर को हम लोग ने भी जिया है, और आंगन भी इसी टाइप का हुआ करता था हम लोगों का कभी। आंगन में पेड़ पौधे ये सब हुआ करता था। वो दौर चला गया, अब सारे चीज़ों को पेड़ काट कर आंगन वो ख़त्म हो गया, वो दौर चला गया, और अब सिर्फ पक्के का मकान रह गया। खैर वो रही सब पुरानी बातें, चलते हैं। अब आए हैं संजय वन वाटिका में, तो यहाँ आपको दिखा देते हैं बाकी का जो चीज़ है वो दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चों को खेलने का साधन बनाया गया है। शान को घुमा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक कैंटीन बना हुआ है, आज बंद है, एक बार आया हुआ था यहाँ पर कैंटीन खुला था, अभी अंदर शायद कुछ काम वगैरह चल रहा है जिस वजह से ये बंद पड़ा है अभी, पर अंदर कैंटीन था तो अच्छा था, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, आप यहाँ पे खा सकते थे। फिलहाल अभी कुछ अंदर काम चल रहा है, पुताई उताई का, इस वजह से बंद पड़ा है।
ये एरिया था यहाँ पर, आप बैठ कर कुछ खा पी सकते हैं। तो इस सेक्शन तरफ इधर चलते हैं अभी, इधर कुछ जीव जंतु हैं यहाँ पर, कुछ इनको रिजर्व करके रखा गया है। चलिए चल कर देखते हैं उधर और कौन। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की चिड़ियाँ जो रिजर्व किया के रखा गया है। और इधर भी कुछ जीव जंतु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। इधर चलिए चलकर देखते हैं कि क्या है इसमें। हंस है, कुछ बतख वगैरह भी है शायद इसमें। यहाँ पर देखिए खरगोश है। इधर सब खाली पड़ा है। ये छोटा सा तालाब बनाया गया है। ये बोट है वहाँ पर कोई है नहीं। अंदर में हिरण है बहुत सारे, इनको रिजर्व करके रखा गया है हिरण को। और इधर मुझे नीलगाय लग रहा है। हाँ नीलगाय है। तो ये संजय पार्क की खूबसूरती है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है और यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है ना जानवर को रखा गया है। पहले बहुत सारे जानवर थे लेकिन अब देखने को यहाँ पे कम मिल रहे हैं। हो सकता है कि वो मर गए होंगे, क्योंकि भाई एक जो जंगल में रहते हैं खुले वातावरण में उसका बात अलग होता है। एक होता है कि आप यहाँ पर रिजर्व करके रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को वो इन्वायरमेंट मिल नहीं पाता है, जिस वजह से वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाते हैं। इसमें मोर को रखा गया है। ये देखिए मोर है यहाँ पर। दो दो चार, चार तो भी फिलहाल दिख रहे हैं इसमें। वैसे यहाँ पे लिखा गया है चीतल। चला गया, हिरन का बच्चा। तो यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, लगभग 15-20 हिरन यहाँ पे हैं। देख सकते हैं ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ बनी हुई है, उधर से चढ़कर वहाँ से नजदीक से देख सकते हैं। कहाँ से आप लोग हैं? कुसमी। कुसमी से? एक चीज इधर है ऐसा दिखा कि अगर कोई अचानक से देखे तो डर जाएगा। शेर का मांद है बनाया हुआ। अंदर में यहाँ पर छोले चाट की दुकानें थी, वो भी बंद पड़ा है। तो आज लगभग सारा चीज़ बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों। फ्राइडे का दिन है, पता नहीं क्यों बंद पड़ा है। ये है ट्रेन, ट्रेन भी बंद पड़ा है आज। चलिए बैठ के ऐसे ही सब्र कर लेते हैं। ना ट्रेन का ड्राइवर है, ना कोई इसके परिचालन का कोई यहाँ पर कोई इसको चलाने वाले कोई है नहीं।
ट्रेन भी बंद पड़ा है। तो यहाँ पर आएंगे तो बच्चों लोग के लिए टॉय ट्रेन भी लगा हुआ है, बच्चे बूढ़े सब बैठते हैं इस पे वैसे तो। और इसका देखिए स्टेशन का नाम है काका लरंगसराय बाल एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, स्टेशन है यहाँ पर। राउंड लगाएंगे यहाँ से टॉय ट्रेन में, बस हो गया। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये पुरानी सभ्यता का प्रतीक है, पुराने जो ज़माने में ये सब हुआ करते थे, लोगों का वेशभूषा जो है ना इस टाइप का हुआ करता था। तो पुराने ज़माने का यहाँ पर दर्शाया गया है, प्रतीक दिया गया है यहाँ पर। तो बस दोस्तों बस यही था दिखाना, इस वीडियो में दिखा दिए, अब वापस चलते हैं घर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।